नमस्कार, CCL D20 सीरीज में आप सबका स्वागत है। मैं हूं निशा। दिवाली में अक्सर घरों के दरवाजों में तोरण लटके हुए दिखाई देते हैं। फूलों और पत्तियों के तोरण तो हमने बहुत बनाए हैं, लेकिन आज हम इस तोरण के को एक्सप्लोर करेंगे, इसके इतिहास को जानेंगे और इसकी गणित को समझते हुए इसे बनाएंगे। तोरण एक कन्नड़ भाषा का शब्द है। इसे कई जगह बंधनवार भी बोलते हैं। इसे भारतीय संस्कृति में बहुत शुभ माना जाता है। विश्व के कई देशों में जहाँ जहाँ भारतीय संस्कृति का प्रसार हुआ, वहाँ पर मुख्य द्वार पे इस तरह की कलाकृति देखने को मिलती है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये जो तोरण लटकी हुई है उसका शेप क्या होता है? देखने में यह शेप आपको हवा में फेंकी हुई बॉल के पास जैसी, यानी कि पैराबोला दिखती है, पर यह पैराबोला नहीं, कैटेनरी है। जब किसी रस्सी या चेन को दो खूंटों पर लटकाया जाता है तो यह अपने वजन के कारण एक समान ग्रेविटेशनल फोर्स के अंतर्गत एक शेप बना लेती है और यही कैटेनरी शेप होती है। और आज हम मैथमेटिकल शेप्स का यूज करके ये तोरण बनाएंगे। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेम्पलेट है, उसे डाउनलोड करके प्रिंट कर लीजिए और उसे चार्ट पेपर पर चिपका कर काट लीजिए। और इन टेम्पलेट्स को जोड़ने पर हमें चार अलग अलग तरह के 3D शेप्स मिलते हैं। इनमें कुछ का बेस ट्रायंगल है, कुछ स्क्वायर बेस के हैं, कुछ पेंटागन बेस के हैं, तो कुछ सर्कल बेस के हैं। इन चारों शेप्स में से इन तीन शेप्स में एक बात कॉमन है, इन तीनों शेप्स में बेस की साइड्स में ट्रायंगल लगे हुए हैं जो ऊपर एक पॉइंट पे आके मिलते हैं, और इस तरह के ज्योमेट्रिकल शेप्स को पिरामिड कहते हैं। और अगर हम इसके बेस की साइड्स के नंबर्स को बढ़ाते चले जाएं, तो हमें यह चौथा शेप कोन मिल जाता है, या फिर हम यह कह सकते हैं कि यह कोन इनफाइनाइट फेसेस वाला एक पिरामिड है। चलिए अब इनको अरेंज कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले अपने दरवाजे की चौड़ाई के नाप की एक रस्सी लेते हैं। आप अलग अलग धागों का प्रयोग करके इस तरह की रस्सी बना भी सकते हैं। अब एक सुई धागे से इन कोन्स को इस तरह के शेप्स के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा देते हैं, और इनको थोड़ा दूर दूर रखने के लिए हमने इनके बीच में एक पेपर स्ट्रॉ के टुकड़े पिरो लिए हैं। अब इनको रस्सी के दोनों सिरों में लटका देते हैं। अब इन शेप्स को भी इस तरह लटका देते हैं और बीच में एक कोन का गुच्छा इस तरह लगा देते हैं। तो बन गया ये मैथमेटिकल तोरण। इसको बनाइए और अपने घरों के दरवाजों को सजाइए। धन्यवाद।